हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात तक ये पर्सन क्या महसूस करते रहे आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या इस पर्सन ने कल देर रात तक आपको महसूस करा, आपको सोचा, याद करा, मिस करा या नहीं। ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बस इतना याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जितना आपसे मिलती है बातें, आप बस उतना लीजिएगा। जो बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं उनमें फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, वो किसी और के लिए है। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इवन टाइमलेस रीडिंग बन रही है, तो व्यूअर्स जब भी आपके सामने आती है ये आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं, देख लेते हैं कि कल देर रात तक इस पर्सन ने आपको लेकर कैसा महसूस करा, ठीक है व्यूअर्स। छोटा सा विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को सोचिएगा, उनका नाम आपको सोचना है, उन्हें याद करना है, उन्हें पुकारना है आपको तीन बार, और उनसे जैसे आप कह रहे हो कि आप भी इस दूरी को मिटाना चाहते हैं, आप उनका साथ चाहते हैं और आप अब उनसे बस सवालों का जवाब पूछना चाहते हैं। तो बस इसी तरह से पूरे सच्चे दिल से उन्हें पुकारिएगा, बुलाइएगा और देख लेते हैं कि कल देर रात तक आखिर इस पर्सन ने आपके लिए क्या सोचा, क्या महसूस करा, ठीक है व्यूअर्स। गाइड की इच्छा बताइए, नमस्कार, गाइड की इच्छा बताइए, कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना आपको ढूंढ रहे हैं, एज एन ये पर्सन हर एक वो जगह पर है जहाँ पर आप हो, या फिर ये कह सकते हो उस जगह पर ये पर्सन पहुँचने की कोशिश करते रहे कल देर रात तक, जहाँ पे ये आपको ढूंढ पाएँ, आपके बारे में जानकारी हासिल कर पाएँ। तो ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स, जैसे कि ये पर्सन ना हो ना हो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी फ्रेंड्स के थ्रू ये आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, चाहे फिर आपके रिलेटिव्स के थ्रू, चाहे फिर इवन आपके आस पड़ोसियों के थ्रू ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसे इस पर्सन की नज़रें ना चारों तरफ घूम रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं। यहाँ पे एल लेटर, जे लेटर, नंबर 7, नंबर 1 यानी कि आपका जनवरी मंथ और जुलाई मंथ ये इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। उसके अलग यहाँ पर टी लेटर, आई लेटर, एल लेटर, ये सभी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर या आपसे ये रिलेट करते होंगे, आपके नाम के ये इनिशियल्स हो सकते हैं व्यूअर्स। तो ओवरऑल ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ना हो ना हो छानबीन कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने की ये हर वो कोशिश कर रहे हैं, और कल देर रात तक इन्होंने हर वो कोशिश करी जो ये कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 4 वाई लेटर भी मुझे व्यूअर्स दिखाई दे रहा है, 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ, जो इस पर्सन से आपसे रिलेट करता होगा। ऐसा दिख रहा है जैसे कल देर रात तक ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती रही आपको लेकर। कुछ तो ऐसा आपके बारे में इस पर्सन को पता चला है, चाहे वो झूठ पता चला हो या सच पता चला हो, जो अल्टीमेटली इस पर्सन को ना बेचैन करता रहा। इनके मन में जो आपको लेकर इवन जो इनसिक्योरिटी रही ना, जिसको इन्होंने एक वक्त पे गला घोट दिया था या उसे हाइड कर दिया था, वो इनसिक्योरिटी इस पर्सन को कल देर रात तक आपको ढूंढने के लिए फोर्स करती रही और इन्हें बेचैन भी करती रही है व्यूअर्स। तो यहाँ पे बड़े हक्के बक्के से, बौराए बौराए से जैसे होते हैं ना, तो उस तरह से मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कल देर रात की। मोमेंट्स इनकी साइड से दिख रहे हैं जो अल्टीमेटली ये पर्सन आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे नंबर 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका फरवरी मंथ, वी लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। या फिर यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में किसी तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं, जिसके बारे में इस पर्सन को कल देर रात तक पता चला है, कल रात ही इन्हें पता चला है, और वो मूवमेंट देखकर इस पर्सन की जो इनसिक्योरिटी थी
उसने इन्हें सोने नहीं दिया, इन्हें बेचैन करे रखा, तो इसके भी चांसेस हैं। तो या तो आपकी साइड से किसी तरह का मूवमेंट हुआ है, जो या तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया है, किसी आस पड़ोसी ने, किसी रिलेटिव ने, या हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें आपके बारे में पता चला हो। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ के मोमेंट्स इस पर्सन को इस चीज़ का अफसोस दिलाते रहे कि इन्होंने आपको खो दिया, अब इन्होंने पूरी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, अपनी स्टूपिडिटी के चलते, अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ी के चलते। तो वो चीज़ें ना इन्हें ना व्यूअर्स होना हो और ज़्यादा पीछे धकेल रही थी, आप में धकेल रही थी, आपके करीब इन्हें धकेल रही थी, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आपसे ना जैसे इस पर्सन के दिल में जो चीज़ें हैं, जैसे ये कहना चाह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो बातें इनके मन से उभर रही थी, जैसे आपके सामने एक्सपेंड करना चाह रहे हो ये बात कि यार कुछ वक्त और रुक जाते, बस थोड़ा वक्त और मांगा था, या जो इनसे मिस्टेक हुई है उसको ये क्लियर करना चाह रहे थे। मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी लाइफ के मोमेंट्स इस पर्सन को इतना ज़्यादा अफसोस में, गिल्ट में डाल रहे थे कि इस पर्सन की इच्छा थी कि ये खुले, एक्सपेंड हो, बंद हैं ये, उतना ज़्यादा खुलने की इच्छा आशा इस पर्सन की करी कल देर रात तक। लेकिन इन्हें ओवरऑल आपकी साइड से वो चीज़ें अब नहीं दिख रही, जैसे होता है ना इट्स टू लेट, इन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत लेट कर दिया इन्होंने। ई लेटर दिख रहा है नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, पी लेटर पी फॉर पैरट वाला, एस लेटर मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, तो ये सभी आपके पार्टनर या आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स इस पर्सन की बेचैनी, इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी होना हो ये समझा रही है, जैसे इस पर्सन को आपकी कीमत समझ में आ रही है, आपकी लाइफ के मूवमेंट इस पर्सन को आपकी कीमत समझा रहे हैं, जिसे एक वक्त पे इन्होंने समझा नहीं, समझ कर ना समझ इन्होंने बनकर दिखाया। तो ऐसा दिख रहा है कि होना हो आपकी लाइफ के मूवमेंट्स इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी कीमत क्या है वो समझा रहे हैं। W लेटर, M लेटर यहाँ पर दिखा नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बनता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहा है। देखिए ये W और उधर से आप पढ़ेंगे तो ये M लेटर बन जाएगा। E लेटर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे आपका Z लेटर है व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर या आपके नाम के इनिशियल्स हैं। F लेटर भी है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स जैसे बहुत लंबे समय से ना इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे राज रख रखे हैं, मतलब ये खुलकर नहीं आ रहे हैं, अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा नहीं रहे, एकदम बंद हुए पड़े हैं। इन्होंने आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखने, राज रखने शुरू कर दिए, लेकिन कल देर रात तक इस पर्सन को अपनी स्टूपिडिटी ये समझा रही थी कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी, आपसे राज रखने शुरू कर दिए, क्योंकि वो राज रखने अल्टीमेटली आपको ना इनसे और दूर लेकर चले गए, वो राज जो इन्होंने रखे आपसे। रिश्ते में खुलना, चीज़ों को क्लियर करना जितना ज़रूरी होता है, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने उन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझा, और वही चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ना होना हो कल देर रात तक अपनी मैच्योरिटी, इमैच्योरिटी, बेवकूफ़ी इन सबको समझा रही थी। और वही चीज़ें इस पर्सन को दिखे, जैसे कि होता है ना कि इधर ढूंढे उधर ढूंढे, क्या करें क्या ना करें, उस तरह से इनकी सोच यहाँ पे मुझे चारों तरफ मंडराते हुए दिख रही है, जैसे चारों तरफ इनकी सोच घूम रही हो, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एन लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, एन फॉर नेस्ट वाला। मुझे यहाँ पे निकिता, नेहल, नेहा, नितिन, ये सब नेम्स जो है ना वो साउंड्स हुए हैं आपके पार्टनर या आपके हो सकते हैं, क्योंकि एन एंड लेटर मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, इनको ना ऐसा दिखता रहा, ऐसा फील होता रहा कि अब आपकी साइड से ना एक टफ वाला, एक सॉलिड वाला नो हो गया है, मतलब आप इस रिश्ते में ऑलरेडी इनके लिए ना अपने मन को बोल चुके हो कि अब इसे हाँ नहीं बोलना है। H लेटर मुझे दिखाई दिया, जैसे यहाँ पे हिमांक, हिमांशु, इस तरह से मुझे नेम्स यहाँ पे साउंड हुए हैं।
एक चैनल सॉन्ग भी मुझे व्यूअर्स यहाँ पर सुनाई दे रहा है, जैसे कि ये पर्सन कल देर रात तक जितना ज़्यादा आपको लेकर अफसोस में रहे, इनसिक्योरिटी फील करते रहे, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस सॉन्ग को जैसे सुन रहे हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो इस पर्सन को ना ऐसी चीज़ें क्योंकि फील हो रही थी, तो ऐसा मुझे चैनल्ड सॉन्ग सुनाई दिया। चांसेस हैं या तो ये आप अक्सर सुना करते थे, या कल देर रात तक इस पर्सन ने ये सॉन्ग सुना है, क्योंकि इन्हें ना आपका वजूद समझ में आ रहा था, आपकी कीमत समझ में आ रही थी, और ये आपके बिना कितना रह सकते हैं और कितना नहीं रह सकते हैं, ये सारी मिस्ट्रीज इनके सामने खुद खुल रही थी। इसे ये खुद फील कर रहे थे कल देर रात तक। जे लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। परेशान बहुत से रहे हैं, मतलब मन इनका शांत नहीं रहा, एकदम स्टेबल नहीं रहा इनका मन। इनका मन ना ये चीज़ें इन्हें समझा रहा था कि, या इसे महसूस कर रहे थे कि शायद अब आप इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में इनके साथ नई शुरुआत नहीं चाह रहे हो, तभी आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हैं। और वही चीज़ें इस पर्सन की इनसिक्योरिटी को इस कदर बढ़ा रही थी व्यूअर्स। ये पर्सन अपने ही थॉट से यहाँ पे फाइट कर रहे थे, जैसे कभी फाइट कर रहे हैं, कभी दुख हो रहा है, कभी उदास होकर बैठ गए, फिर उसके बाद फिर शांत होकर बैठ गए। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इसी उधेड़ बुन में, इसी जद्दोजहद में इस पर्सन ने ना अपने थॉट्स को कितना उलझा लिया, कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ पर ये उलझ कर रह गए, इस चीज़ को इस पर्सन ने खुद कल देर रात तक व्यूअर्स महसूस करा है। चांसेस मुझे कुछ लोगों के केस में देखिए दिख रहा है, आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, यानी कि इस कनेक्शन में आप दोनों हो। देखिए यहाँ पे एक पर्सन इधर है और एक इधर है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते जैसे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन दोनों का दिल अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो दिल नाम की डोर ने एक दूसरे को जोड़ रखा है, या एक भरोसा जो होता है ना, उसी वजह से, एक उम्मीद की वजह से आप दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हो, वरना रास्ते जैसे इन्हें दिख रहे थे कल देर रात तक कि भाई अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हो आप दोनों, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो एहसास ना इस पर्सन को कल देर रात तक व्यूअर्स सोने नहीं दे रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यार, एक भरोसे की डोर ही तो आप दोनों को बांधे हुए थी, जिससे आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते थे, और आज एक ऐसा पल आ चुका है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, देखना चाह नहीं रहे हो, और आप तो स्पेशली नहीं देख रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन को कल देर रात तक व्यूअर्स हो ना हो काफ़ी दर्द में पहुंचा रही थी। एस फॉर सॉरो, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कल देर रात तक पेन में रहे हैं, ठीक है। और जो सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं ना, वो सीक्रेट्स इन्हें लग रहा था कि यार वो सबसे बड़ी गलती कर दी, राज जहाँ पे आ गए वहाँ भरोसा ख़त्म हो गया, ठीक है व्यूअर्स। मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, होना हो ये जो दूरी आप दोनों के बीच में हुई है, ये वर्थफुल रही है आपके लिए, ये काम आएगी। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, वो बेमतलब की नहीं होती, ये दूरियां ही आप दोनों को मिलाएंगी। ऐसा मैं यहाँ पर कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली देख पा रही हूँ, क्योंकि इन दूरियों ने इस पर्सन को होना हो आपकी कीमत समझा दिया, आपको अपनी कीमत बता दी कि आपकी क्या वैल्यू है, और इन्हें आपकी वैल्यू समझा दी है। कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब मैसेज लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी के कानों में कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद अपने आप को संभाल ले रहे हैं, चुप रख रहे हैं अपने आप को। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि अपने थॉट्स को लेकर खुद क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि आपके बारे में बात करें या ना करें, करें तो कितने लेवल पर करें, जिससे आप तक वो मैसेज ना पहुंचे या आपको ना पता चले कि आपके बारे में अभी भी पूछते हैं, आपके बारे में ये जानकारी हासिल करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कुछ पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली वे में अपने दोस्तों यारों से, या जो भी आपके बारे में यहाँ पे खबरी बना हुआ है या बनी हुई है, कोई आस पड़ोसी भी हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं व्यूअर्स। तो ऐसा दिख रहा है कि सारी बातें नहीं बोल रहे हैं, कुछ बातें ये पर्सन बोल रहे हैं, तो कुछ बातें ये पर्सन ना अपने मन में रख रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में ना कल देर रात तक इस चीज की इनसिक्योरिटी रही कि ये कुछ बदल नहीं पा रहे हैं,
एज ए ना आपको बदल पा रहे हैं, ना आपकी सोच को, ना हालातों को, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वही के वही ये बंद कर रह गए, वही के वही ये पर्सन ऐसे ही बस रोते रह गए हैं, इमोशनली लेवल पे हार कर रह गए हैं। तो इन्हें कल देर रात तक व्यूअर्स ये चीज़ें भी ना टीस कर रही थी, अपने आप को ही ये चीज़ें इस पर्सन को टीस करती रही हैं, ऐसा भी यहाँ पे है। ऐसा ही नहीं लगता रहा कि जैसे कि ना बेवकूफ़ तो ये बनकर रह गए, जैसे ओ बनता जा रहा है यहाँ पे कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनकर रह गए हैं अपने कामों से, अपनी सोच, अपनी इमैच्योरिटी के चलते। और इन्होंने एक खूबसूरत साइकिल जो इनकी लाइफ में थी, क्रिएट हुई थी, उसे इन्होंने अल्टीमेटली ख़त्म कर दिया, बिगाड़ दिया। उस चीज़ का रिग्रेट ना इस पर्सन को कल देर रात तक व्यूअर्स हो ना हो तोड़ रहा था, बहुत ज्यादा उस चीज को सोच सोच कर टूट रहे थे। ऐसा दिख रहा है बहुत हेल्प करी है आपने इनकी, मतलब चाहे आप इनके मेंटोर बने हो, चाहे आपने इन्हें सही रास्ता दिखाया हो, चाहे फाइनेंशियली लेवल पर हेल्प करी हो, मतलब आपने इनकी बहुत हेल्प करी है। और कल देर रात तक अपने आप को जितना ज़्यादा इस पर्सन ने व्यूअर्स टूटा हुआ पाया ना, उतना ज़्यादा आपकी उस हेल्प को इस पर्सन ने मिस करा है कि आप इस जगह होते ना तो डेफिनेटली इन्हें ऐसे आइसोलेट हुए हुए नहीं बैठे देख पाते। आप इनकी मदद ज़रूर से करते, इनके इमोशंस को ज़रूर से समझते, सुनते, तो वो चीज़ें ना इन्हें होना हो आपकी वैल्यू समझा रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर अब आते हुए दिख रहे हैं, चाहे शुरुआती तौर पर हो, लेकिन यहाँ पे एक फिजिकली लेवल पर आप लोगों के बीच में दूरियाँ हैं। लेकिन इन्हें कल देर रात तक ये लगता रहा व्यूअर्स कि फिजिकली लेवल पर भले अब दूरियाँ आ गई हूँ, लेकिन दिल से ये आपसे जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद इन्हें ये चीज़ें समझा रही थी कि जैसे ये आपसे जुड़े हुए हैं, आप भी कहीं ना कहीं अभी भी इनसे जुड़े हुए हो सकते हो। इन्हें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, मतलब समझा रहे थे अपने आप को, दिलासा दे रहे थे अपने आप को कल देर रात तक, ऐसा भी यहाँ पर है व्यूअर्स। आपकी यादों को समेट कर रख रहे हैं ये पर्सन, मतलब आपकी यादों को, मेमोरीज को, जो आपने कहा, जो आप जिस बात पे आप लड़े झगड़े, आपने इनसे बोला, मतलब हर चीज़ को जैसे कल देर रात तक ये पर्सन समेट रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, देखिए व्यूअर्स यहाँ पे एक फ्लावर जैसा बना है, देखिए आप, आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट मुझे ये फील हो रहा है ऐसे ये फ्लावर जैसा, जो ये इंडिकेट कर रहा है व्यूअर्स, देखो आप इस पर्सन की ज़िंदगी में वो फूल थे जिसके साथ जुड़कर इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, कलर्स आए, जीने की एक वजह आप इनके बने। एज एन आप वो फूल थे और ये वो भंवरे थे जो कुछ वक्त अपने मतलब के लिए आपके पास आए और फिर ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। और इनको कल देर रात तक ये चीज़ें लगती रही कि एक्चुअली में आप इस पर्सन की ज़िंदगी के वो क्रिएटर थे जिसे इन्होंने पाकर, छूकर अपने आप को खुद वहाँ से दूर कर लिया। उस चीज़ को ये पर्सन ना व्यूअर्स कल देर रात तक महसूस करते रहे, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में वो पत्ती थे, वो लीफ थे जिसने इनकी ज़िंदगी को हमेशा यही चाहा कि ये आगे बढ़े, ठीक है। ये आपने हमेशा यही चाहा कि ये जो चाहते हैं वो पूरा हो, आपने इनके लिए इंतज़ार भी करा, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स कल देर रात तक समझ रहे थे। यानी कि मैंने आपको बोला ना, जैसे कि ये पर्सन आपकी कीमत समझ रहे थे, आपके इंटेंशंस जो इनको हमेशा लेकर रहे, इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो हमेशा बने रहे ना, उस इंटेंशन को ये पर्सन कल देर रात तक बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। ये लीफ मुझे, ये फ्लावर मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली बता रहा है व्यूअर्स। नंबर एट यानी कि अगस्त मंथ भी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ई लेटर दिखाई दे रहा है, तो चांसेस हैं आप या आपके पार्टनर कर्सिव में लिखते हैं, मतलब आप में से कोई कर्सिव में अपना नेम लिखता है, तो उसके भी मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में दिख रहे हैं व्यूअर्स। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं। इतने आप सभी लोग अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इतनी रीडिंग तक अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। और अब मैं टैरो से टैली कर लेती हूँ कि कितना हमारी रीडिंग
ब्रीथिंग, हमारी कैंडल वैक्स ने हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करा। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। ओ भाई देखो, सौरव का कार्ड पहले आया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भाई परेशान बहुत थे ये पर्सन। कल देर रात तक काफ़ी दर्द में इन्होंने अपने आप को पाया, और इन्हें पता था जैसे कि इस दर्द से अगर कोई निकाल सकता है तो वो आप निकाल सकते हो। लो फ्लावर्स भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ व्यूअर्स, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। टैली हो रहा है, यानी कि भाई देखो, कुछ लोगों को लगता है ना कैंडल वैक्स में कुछ नहीं होता है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, आप देख लीजिएगा सेम ही यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, थंडर बोर्ड एंड बॉटम है द सोर्स। राशियाँ देखिए सभी हैं, ऑल साइन बेस्ड है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, या आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, आपका अर्थ एलिमेंट और ये आपका फायर एलिमेंट है। तो राशियाँ सभी हैं यहाँ पे व्यूअर्स। नंबर आपके लिए मुझे 5 यानी कि मई मंथ इम्पॉर्टेंट दिखा, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन अपने हालातों को देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं विद दिस थंडर बोर्ड, यानी कि बार बार इस चीज़ को याद करके ये पर्सन रोए हो उसके चांसेस है। जैसे कहते हैं ना कि एक दुख को सोच सोच कर इंसान और ज़्यादा दुखी होता है और ज़्यादा रोता है, तो कल देर रात तक इनके साथ ऐसा ही रहा कि जो पास्ट में इनसे मिस्टेक हुई है तो उस चीज़ को ना याद कर करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, रोए भी हो उसके चांसेस हैं व्यूअर्स। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बेसिकली ना इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस दर्द से अगर कोई इन्हें बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप, क्योंकि आप वो इंसान इनकी ज़िंदगी में रहे हो जिसने सिर्फ देना जाना है, सिर्फ केयर करी है, सिर्फ प्यार दिया है, सिर्फ पैसा दिया है, सपोर्ट दिया है, मतलब आपने कभी लिया नहीं, लेने की इच्छा आपने कभी रखी नहीं, सिर्फ आपने इस रिश्ते में दिया। और आप हो ना हो इस पर्सन के हीलर हो, आपने हमेशा इनको सुनकर हील करा, और अब जब इनके ये हालात आए हैं ना तो इनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो कल देर रात तक ये पर्सन व्यूअर्स हो ना हो आपका ही कंपैरिजन आपके आज के रूप से कर रहे थे। आप पहले से कितना बदल गए, पहले आप इनकी ज़रा सी सी तकलीफ़ में तुरंत भागे चले आते थे, और अब इन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है पर ये फिर भी आपको नहीं बुला सकते हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई सोर्स नहीं है इनके पास अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करने को लेकर, किसी तरह की कोई थॉट अपने मन में नहीं रखना चाह रहे थे, बट आप, आपकी यादें, आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो इन्हें जैसे अपनी तरफ खींच रही हो बार बार। इस पर्सन को ये चीज़ें ना कल देर रात तक बार बार फील होती रही, बार बार अपनी तरफ बुलाती रही हैं व्यूअर्स। इन्हें ऐसा फील होता रहा कि आप इन्हें बार बार बुला रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन इन सभी चीज़ों के रिगार्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ अगेन व्यूअर्स। रिलीज योर पास्ट, रोमांटिक फीलिंग्स, एडिक्टेड, डीप कंटेम्पलेशंस, हेल्दी सेक्सुअलिटी, टाइम फॉर एक्शन, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। हीलिंग की डेफिनेटली इस पर्सन को ज़रूरत है व्यूअर्स, जिसे ये कल देर रात तक महसूस भी कर रहे थे और आपसे इवन कहना भी चाह रहे थे। देखिए ये पर्सन आपसे ना ये कहना चाह रहे थे कि यार पहले जैसे हो जाओ, जैसे पहले आप इनके लिए एडिक्टेड थे, आपको सिर्फ यही चाहिए थे, मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए था, पहले जैसे बन जाओ, बदलो मत, जो पास्ट में हुआ उसे पास्ट में रहने दो, उसे निकाल दो अपने मन से, और पहले जैसे मेरे लिए, इस रिश्ते के लिए फीलिंग्स रखो, यानी कि मुझ पर भरोसा करो, इस रिश्ते को पे भरोसा करो। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे कि देखो इस वक्त में ज़रूरत है तुम्हें अपने आप को समझने की, मुझे अपने आप को समझने की, और इस रिश्ते को वापस से हेल्दी वे में सही करने की। आपसे कहना चाह रहे थे ये पर्सन की इन्हें ज़िंदगी के वो सारे लेसन्स मिल गए हैं, वो सबक मिल गया है जो शायद इनके लिए ज़रूरी था,
और अब यहाँ पर ज़रूरत है आप दोनों के लिए, यानी कि आपसे कहना चाह रहे थे हम दोनों के लिए ज़रूरत है अब यहाँ पे अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करके एक्शंस लेने की। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे थे कि देखो हम दोनों का जो रिश्ता था ना वो कितना डीप लेवल तक का था, हालांकि इस चीज़ को तुमने मुझसे पहले समझा, मैंने तुमसे बहुत बाद में समझा, लेकिन तुमने अगर ये समझा है तो तुम इस चीज़ को अब सही करो, तुम यहाँ पे कुछ करो। कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपसे कहना चाह रहे हो कि मेरी तो सोचने समझने की शक्ति जो है वो ही ख़त्म हो गई है, मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किन हालातों में किन किससे बात करूं, क्या सोर्सेज इकट्ठे करूं, क्योंकि कल देर रात तक भी ये पर्सन सोर्सेज ही तो इकट्ठा कर रहे थे, आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे थे व्यूअर्स। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ये कहना चाह रहे थे कि यार चलो मैं इमैच्योर था और मैं इमैच्योर हूँ, चलो मुझे यहाँ पे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, पर तुम भी अपनी साइड से रास्ते मत बंद करो, तुम भी अपनी साइड से एक्शंस लेने बंद मत करो। तो वो आपसे जैसे कहना तो चाह रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन ऑब्वियसली इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को कल देर रात तक ऐसे पा रहे थे जैसे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ठीक है। और जो भी इस रिश्ते में हुआ है उन सब चीज़ों के बाद तो बिल्कुल दिमाग नहीं, जैसे काम करना बंद कर दिया हो, इस पर्सन को कल देर रात तक ऐसा फील होता रहा है व्यूअर्स। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर आपको किस तरह की गाइडेंस दी जा रही है, इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। इफ़ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर reconsider and bottom है remain positive। basically आपसे एंजल से बोल रही है कि अगर आप रिश्ते पे भरोसा करते हो, इस इंसान पर भरोसा करते हो ना, तो definitely near future में चीज़ें फिर से reconsider करी जाएंगी, फिर से यहाँ पर चीज़ें positive way में move करेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर भरोसा बनाए रखना है अपने आप पर, इस रिश्ते पर, universe पर, divine पर। अगर आप अपने partner पर नहीं कर पा रहे हैं तो that is totally fine, but अपने आप पर, इस रिश्ते पर और इस universe पर आपको भरोसा बनाए रखना है, चीज़ें नियर फ्यूचर में डेफिनेटली सही होंगी और फिर से यहाँ पर चीज़ों को, रिश्ते को रिकंसिडर करवाया जाएगा, करा जाएगा, इसमें जो भी अभी छुपाव चल रहा है वो क्लियर होंगी यहाँ पर चीज़ें। तो ऐसा यूनिवर्स से डिवाइन आपको बोल रही है व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, मतलब एक पॉजिटिविटी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है, चीज़ें जैसे मूव कर रही हैं, इस पर्सन की सोच आप तक मूव कर रही है, वो मैं आज की इस रीडिंग में फील कर पाई हूँ, ठीक है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, अगर आपको जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।